बगैर ऑडियो। एक्शन नहीं बोला ना कि समझ में तो आ जाएगा, वो रिसीवेबल समझ आ गया है। अच्छा हमने गर्ड्स पढ़ लिए थी 584 की, और कुछ टाइम के बाद हमने सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक 540 की, और पेमेंट हो गई। अकाउंट क्लोज करेंगे आप, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का क्रेडिट डाउन आएगा क्रेडिट पर, और ब्रॉट डाउन आ जाएगा डेबिट साइड। अभी पेबल का डेबिट बैलेंस क्या शो कर रहा है, रिफंडेबल फ्रॉम सप्लायर। अब इसकी नेचर हो जाएगी एसेट्स की, अभी हमारे एसेट्स हैं। अच्छा अब जब सप्लायर हमें रिफंड करेगा, जब हम रिफंड रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो ये एंट्री होगी रिफंड रिसीव फ्रॉम सप्लायर, तो एंट्री आ गई कैश डेबिट अकाउंट पेबल। पेबल ही रहेगा ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टाइटल तो वही रहेगा, नेचर चेंज हो जाती है ना इसकी, टाइटल वही रहेगा। क्योंकि अगर रिसीवेबल का नया अकाउंट ओपन करेंगे तो ये तो फिर क्लोज ही नहीं होगा ना कभी भी। हाँ लेकिन अगर इसकी नेचर इसको चेंज हो गई, ये बन गया एसेट, ये एसेट है। इस पर जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैंक से अगर आप ओवरड्रॉ कर लें तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस साइड पे आता है, क्रेडिट पे। बैंक बैलेंस डेबिट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट राइट। अब उसकी नेचर क्या हो जाती है, लायबिलिटी। लेकिन जब हम डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में पैसे, तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, या ओवरड्राफ्ट का अलग सा अकाउंट तो नहीं बनेगा ना, या बैंक पेबल का अलग सा अकाउंट, नहीं उसी को डेबिट। तो साइन चेंज होने से नेचर चेंज हो जाती है, लेकिन एंट्री जो बनेगी उसी अकाउंट से बनेगी, उसमें आप नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो इसको जिसकी नेचर क्या है, एसेट, ये इस पर क्या है, रिफंडेबल। रिफंड होगा तो आपके एसेट डिक्रीज होंगे, क्रेडिट होगा, फिर टाइटल वही यूज होगा पेबल। अच्छा सेकंड रीजन, परचेज रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट। परचेज रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट, पेबल अकाउंट बनाते हैं, इसमें गुड्स परचेज की 20,000 की, और कुछ टाइम के बाद फुल पेमेंट कर दिया हमने 20,000, फुल पे हो गए, पेमेंट हो गई। फुल पेमेंट के बाद हमने 2,000 के गुड्स रिटर्न की, पेबल अकाउंट डेबिट हो गए। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड जा रहे क्रेडिट का, तो फिर वही क्रेडिट कैरी डाउन आएगा क्रेडिट पर, और ब्रॉट डाउन आ जाएगा डेबिट साइड। अभी डेबिट बैलेंस क्या शो कर रहे हैं, रिफंडेबल, ठीक है। अब इसकी नेचर क्या है, एसेट, ठीक। अच्छा अब जब कल को हमें रिफंड रिसीव होंगे तो क्या एंट्री बनेगी, कैश डेबिट अकाउंट्स पेबल पेबल क्रेडिट। तो एंट्री सेम रहेगी, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, जिसके नीचे एंट्री वही कॉपी कर लीजिएगा, कैश डेबिट 2,000 अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 2,000। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 46,462, 46,462। इसके बाद टोटल्स फॉर द मंथ, सेल्स एंड टोटल सेल्स, ये डेबिट हो जाएंगे रिसीवेबल में, 024 रिसीवेबल डेबिट, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, सेल्स। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल सेटल्ड बाय कॉन्ट्रा, तो सेट ऑफ में रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा ना, सेट ऑफ। इसके बाद बैड डेट्स रिटन ऑफ, ये रिसीवेबल में क्रेडिट हो जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर रिसीवेबल अकाउंट में, रिफंडेबल
होगा और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे कैच, जिसके बाद है अपनी कैश पेड टू कस्टमर। कैश पेड टू कस्टमर मींस रिफंड टू कस्टमर, कैश रिफंड टू कस्टमर, तो इसकी एंट्री क्या होगी? हाँ, अब इसकी एंट्री मैंने लिखवाई भी, तो दोबारा बता देता हूँ, कैश क्रेडिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट जाएगा कितने से? 52 से। और डिस्क्रिप्शन में हम रिफंड ही लिख देते हैं ताकि याद रहेगा, रिफंड डेबिट साइड। अकाउंट क्लोज करते हैं, आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे 172,538, क्रेडिट साइड माइनस करें 53,66, 503,66। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस था 503,66। ट्रांसपोजिशन एरर है, कॉपी कर लें। आपका आंसर सेम था। क्वेश्चन नंबर 7, द पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,465, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद परचेजेस हैं, क्रेडिट परचेज की एंट्री, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएंगे। परचेज रिटर्न डबल एंट्री, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया। अच्छा, ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट है, इसकी एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट डेबिट लिख लें। डिस्काउंट रिसीव डबल एंट्री, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स की डबल एंट्री, कैश क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, ये डेबिट हो जाएंगे 70,476। क्रेडिट साइड का टोटल करें 101,939, डेबिट साइड माइनस करें, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस 269। ये क्लियर, कॉपी कर लें। ये ट्रेड रिसीवेबल लेजर अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट, कॉपी कर लें। अच्छा, इस फॉर्मेट में देखिए, डेबिट साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओवरड्यू बैलेंस, ये क्या है? इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओवरड्यू बैलेंस, इंटरेस्ट लोन पे होता है, लेकिन यहाँ लोन की बात नहीं हो रही, ये तो रिसीवेबल अकाउंट है ना, लोन कहाँ से आ गया इसमें? ये हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। देखिए ये क्या होता है, आपने कस्टमर को गुड्स सेल की 30 डेज का टाइम दिया, 30 डेज के बाद आप कस्टमर ने कहा अभी अभी पैसे नहीं है, मुझे मजीद टाइम चाहिए। आपने कहा ठीक है, टाइम मिल जाएगा लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें जो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो क्या लगेगा? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू बैलेंस। और उससे आपके रिसीवेबल क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये डेबिट पे आ जाएंगे। बाकी इसकी अगर डबल एंट्री बनाएंगे तो एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। डेबिट होगा, हाँ इसमें डेबिट आएगा ना, नहीं नहीं डबल एंट्री बता रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो ओवरड्यू बैलेंस ये कि अगर आपका कस्टमर लेट हो रहा है तो उस पर आप ओवरड्यू बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो डेबिट पर आएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये पेबल का फॉर्मेट। अच्छा देखिए, पेबल में भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू बैलेंस। अब यहां हम अगर लेट हो गए
हम टाइम पे पे नहीं कर सके तो हमारे सप्लायर ने इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो उससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, हमें 30 डेज में पे करना था, हम पे नहीं कर सके तो सप्लायर ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो उससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो पेबल में ये क्रेडिट पर आ जाए।